चैप्टर नंबर 4, उठो दरा के अमर सपूतों। ये है जो कविता, वो कवि है वो जवानों को, जो हमारे देश के लोग हैं उसे जगाने के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे जगाने के लिए ये कविता रची गई है। इनके जो कवि है वो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जन्म उनका 1916 में और मृत्यु उनकी 1998 में हुई है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जैसे आप सन जो देख रहे हो उनके, तो हम पता इसमें हम बोल सकते हैं कि वो आज़ादी जो हमें मिली है वही काल के कवि। तो वो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा देश है, जो हमने गुलामी में से जो हमें छुटकारा मिला, तो वो हमें क्या करना है, हमें हमारे देश का निर्माण करना है ना। सब कुछ नया नया है, हम गुलामी में से छूट गए हैं, अभी एक नई सुबह आई है हमारे सामने, एक नया आज आया है हमारे सामने। तो हे सपूतों, हे अमर सपूतों, हे युवा पीढ़ी, हे देश के लोगों, जागो और कुछ नया निर्माण करो। उसके लिए वह हमें जगाते हैं, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, फिर से कुछ नया निर्माण करो, देश का विकास करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जो जन जीवन है, जो लोग हैं हमारे देश के, कुछ ऐसा निर्माण करो, कुछ ऐसी नई चीजें करो कि जन जन के जीवन में, सब लोगों के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति आ जाए। नव स्फूर्ति यानी कि नई ताजगी, एक नई ताजगी आ जाए कि कुछ, हाँ आज कुछ नया है ऐसा होने लगे। नव प्राण भरो, नए प्राण भर दो उसके जीवन में, ऐसा लगे कि कुछ नया हो गया है हमारे जीवन में, है ना। जैसे कोई त्यौहार रहता है तो हम कितने खुश रहते हैं कि आज त्यौहार है, आज सब कुछ नया नया लगता है ना, वो दिन पे एक उत्साह रहता है हमारे मन में। वैसे ही कवि क्या कह रहे हैं कि हे अमर सपूतों, हे धरा के अमर सपूतों, हे पृथ्वी के, हे हमारी धरती के अमर सपूतों, आप लोग क्या करो, आप लोग सबके जीवन में एक नई ताजगी भर दो, एक नया प्राण भर दो, ऐसा उत्साह भर दो उनके जीवन में। नई प्रातः है, नई बात है, एक नई सुबह ने जन्म लिया है, एक नया आज है ना। कल था वो बहुत दुख भरा था, वो बीत गया, तो आज एक नई सुबह है। प्रातः मतलब सुबह, नई बात है, कुछ नई बात है आज। नई किरण है, ज्योति नई, नई किरण है, सूरज की किरणें जो आ रही है वो एक अलग है, वो कुछ नया पल दे रही है, ज्योति नई। उसमें से जो हमें चमक मिल रहा है, जो प्रकाश मिल रहा है, वो भी क्या है, नया नया सा लग रहा है। नई उमंगे, नई तरंगे, हमारे जो स्वप्न है वो नए नए हैं, एक नया उत्साह है, नए उत्साह के साथ हम देश का विकास करने के लिए एक नया स्वप्न देखा है हमने। नई आस है, सांस नई, एक नई आशा, एक नया स्वप्न, एक नई उमंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो एक ऐसा कुछ करो जिससे सब लोग हैं वो नई ताजगी का अनुभव करें, नव स्फूर्ति का अनुभव करें, उन्हें ऐसा लगे उनका एक, उनके अंदर एक नया प्राण भर दो, एक नया जीवन भर दो। तो ये सब फिर से नया एक निर्माण करो, कुछ नया निर्माण करो, हमारे देश को आगे बढ़ाओ। आगे कवि हमें कहते हैं, युग युग के मुर्जे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। क्या करना है, जो आज़ादी के पहले का जो हम गुलामी में थे, तो हमारा देश है वो विकास नहीं कर पाया, तो मुर्जे हुए जो सुमन यानी कि फूल, जो मुरझा गए हैं फूल, जो सूख गए हैं, उसमें अभी मुस्कान भरने का समय है ना, उसमें फिर से ताजगी लाने का समय है, फिर से वो फूल मुस्काए। जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो जो बच्चे हैं वो फिर से मुस्काए, उन्हें फिर से विकास करने के लिए वो आगे बढ़े, वैसा कुछ निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जो धरा के सपूत है, जो हमारी धरती पे रहते हैं, जो हमारे देश के सपूत है, जो
युवा पीढ़ी है उसे कवि बोल रहे कि उठो और कुछ नया बनाओ, कुछ नया निर्माण करो और देश को आगे लेके जाओ। डाल डाल पर बैठे भी हम कुछ नए स्वरों में गाते हैं, वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए पक्षी, विहग यानी कि पक्षी, कुछ नए स्वर में गा रहे हैं। आजादी के बाद उन्हें पूरा देश का वातावरण है वो कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे हम त्योहार में जो एहसास करते हैं वैसा ही एहसास कवि को हो रहा है आजादी के बाद में, कि डाल डाल पर जो भी विहग है, जो पक्षी है, वो कुछ नए स्वरों में गा रहे हैं ऐसा लग रहा है, कुछ नया राग सुना रहे ऐसा लग रहा है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, जो भौरे हैं वो भी कुछ अलग ही राग गाते हुए वो फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हे अमर सपूतों, जो धरा के जो वीर सपूत हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप कुछ नया निर्माण करो, कुछ नया करो। अभी हम आजादी हमें मिल चुकी है, हम गुलामी से मुक्त हो चुके हैं, तो हमें सब नया नया है, तो हमें साथ में रह के क्या करना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। आगे कवि यहाँ पे हमें कहना चाहते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नया युग शुरू हुआ है, आजादी के बाद हम एक नए युग में हमने प्रवेश किया है, तो उस नूतन वीणा में, उस जो एक नया नई वीणा है उसके अंदर एक नया राग भर दो, एक नया गान भर दो। एक उत्सव जैसा माहौल है कि हमें आज़ादी मिल गई है और हम सब कुछ नया नया है। जैसे हमारे त्यौहार रहते हैं, जैसे बच्चों दिवाली रहती है तो हम कितने उत्साह में रहते हैं ना, बाकी तो वही सूरज उगता है, वही सूरज ढलने वाला है, पर त्यौहार के हिसाब से हमारे में उत्साह रहता है। तो वैसा ही कुछ उत्साह है वो हमारे कवि है वो यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कुछ नया निर्माण करो। ये सब कुछ नया नया है, तो सब बदल गया है, सब नया नया है, तो सब आगे बढ़ाओ, हमारे देश में देश का पुनः निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। ये देखिए यहाँ पे कली कली खिल रही है, एक नया नया फूल मिल रहा है हमें यहाँ पे। वह फूल फूल मुस्काया है, देखो जो फूल है वो मुस्का रहा है और नई नई कलियां खिल रही है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे कली और फूल का एक उदाहरण देके हमें कवि यहाँ की भारत की प्रतिभाओं की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नई नई प्रतिभाएं आ रही है, नए नए विकास की जो नए नए जो हमें राह है वो मिल रही है, एक एक फूल है वो मुस्का रहा है यहाँ पे। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, धरती माँ की जो काया है, जो हमारी धरती है वो सुनहरी हो रही है ना। जैसे हमें पता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वापिस से वही हमें लाना है यहाँ पे, वापिस से सुनहरी काया। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कवि कैसे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो किसान है उसे भी उतना ही विकास, उतना ही उसका भी विकास हो, और हमारे देश में धरती माँ है वो वापिस से हम वही हमारा देश है वो सोने की चिड़िया कहलाए। तो आगे यहाँ पे कवि हमें कहते हैं, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंज रहा गुंजित जग उद्यान करो। क्या करना है आप लोगों को, सपूतों को, नूतन मंगलमय ध्वनियों से, शुभ ध्वनि, शुभ आवाज है जो एक नई शुभकारी आवाज से गुंजित करो उद्यान, पूरे जग को गुंजित कर दो, पूरे जग को भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जगत के जो सपूत हैं, अमर सपूत हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि फिर से कुछ नया निर्माण करो, कुछ ऐसी ध्वनियां, नई मंगलमय शुभकारी ध्वनि है उससे पूरे जग को, जग को यहाँ पे उद्यान का, उद्यान मतलब कि बाग बगीचा का रूपक दिया गया है कि ऐसे उद्यान, ऐसे हमारे जग को गुंजित कर दो, भर दो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ
भी तुम्हारी है, ये जो हमारा देश है उसमें उसे हमने उसे कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर बोला है, सरस्वती यानी कि विद्या का, उसे शुभ ऐसी शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम हमेशा क्या रहता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें सरस्वती प्राप्त विद्या प्राप्त करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारी शुभ संपत्ति मानी जाती है ना। पैसे हमारे जो भारतीय मूल्य है उसके हिसाब से हम विद्या को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना, पैसों से। तुम में हर एक बालक इसका रक्षक और पुजारी है, जो हमारे भारतीय मूल्य है उसका क्या है, वो सब आप लोग हैं, वो सब क्या है, उनके रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, शत शत दीपक यानी सो सो दीपक है जला के, बहुत सारे दीप जला के नवयुग का आह्वान करो, नया युग है उसे बुलाओ, नए युग की रचना करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जो हमारे सपूत है, जो अमर सपूत है, जो हमारे हिंदुस्तान के, हमें अभी आजादी प्राप्त हो गई है, तो उठो और एक नई रचना करो, एक नए देश का निर्माण करो। आभार।